क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन नंबर 7 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग देखेंगे कैसे हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया था कि 1 ओम प्रतिरोध कह रहा है ना, तो R बराबर कितना लिख देंगे, 1 ओम। ये तो सिंपल सवाल है बहुत। 0.01 हेनरी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व किसे बताइए, एल से 0.01 H बना दोगे तो हेनरी हो जाए। श्रेणी परिपथ से 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा लाइन से जुड़ा गया है। चलो भी का मान 200 वोल्ट आपका दिया गया है, 200 वोल्ट आपने लिख दिया। और क्या दिया है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति का मतलब यह आपका 50 हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज का परिपथ की प्रतिघात बताना, मैंने प्रेरण प्रतिघात एक से एल का मान पूछ रहा है आपके पास। प्रतिबाधा का मतलब होता है जेड आपका पूछ रहा है, और धारा आई का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मुझे बताओ, और आपसे कोई ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, कि हमारे पास जो परिपथ बना है, इधर सुनो, चलो हारना नहीं है। देखो आप हार जाएंगे तो हमको तो पढ़ाना है, तो हम तो पहले ही हार चुके हैं, इसलिए आप पर डटे रहिए, समझ रहे हैं बात को। मैंने इतना अच्छा पढ़िए कि जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसको आप जीवन में उतारिए। देखो हम बता देते हैं आपको, लाइफ बहुत छोटा नहीं है। इसे धरती पर आ करके हम आपको बता दें, इसे धरती पर आ करके हमें आपके नरेंद्र मोदी के कल का स्पीच भी सुने होंगे कि हर एक व्यक्ति का ये कोशिश होना चाहिए कि धरती पर आ करके भारत के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए नाम रोशन करें, मेहनत करें, कि आने वाला समय में आपके पूर्वज जो होंगे आपके नाम के जगह पर चलते रहेंगे। आपके बाबा जो किए अच्छा नहीं किए, तो आप बाबा का नाम बहुत आदर के साथ नहीं लेते हैं। जन्म तो आपके पिताजी का दिए, आपके पिताजी आपके लिए क्या किए, चलो वो भी कुछ नहीं कर पाए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए थोड़ा था माने ज़मीन पर आ करके, धरती पर आ करके सपना ऐसा देखना चाहिए कि अब पूरा अभी हो जाए, और उसके लिए मेहनत भी करना चाहिए। चलो जरा सोचो, हमें एक सेल निकालना है, और आपको हम बता दें कि जब भी एक सेल निकालना है तो इसका फार्मूला बिना सोचे समझे क्या करना है, ओमेगा एल लिखो ना, क्या दिक्कत है। और आप देखिए ओमेगा का तो मान दिया ही नहीं है, तो ओमेगा का मान नहीं दिया तो ओमेगा का मान 2 पाई या एल लिख दीजिए, बात खत्म। ओमेगा जब 2 पाई होता आप आराम से 2 × π का मान 3 × 16 ये आपका मान जरूर दिया होगा, जरूर दिया होगा 50। एल का मान जरूर दिया है 0.01। क्या कोई दिक्कत हुआ, अगर आपको दिक्कत है ना तो यहाँ से सुनो, 2 × 3 = 14 × 50 × 1। और सुनो यहाँ तो 16 के बाद 2 अंक है, तो 2 × 0 बढ़ा दो, यहाँ तो 16 के बाद 2 अंक है, 2 × 0 बढ़ा दो, तो 50 × 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब कुछ नहीं है बचा, 3 × 14 बचा, और ऊपर नीचे 100 भाग देंगे तो 2 अंक है ना, 3.14। क्या है, क्या है बताओ, तो नहीं है तो चुपचाप रहो। चलो 3.14 उतना ओम आपका आ गया, भाषण में अलग रहेगा पहला। चलो सेकेंड आ जाओ, यहाँ पर बताते हैं हम आपको सेकेंड कहाँ निकालना, पहले बताओ जेड। सुनो यार आराम से सुनो, जब हमारे पास 2 चीज़ है, कहाँ रहे क्या यल है, तो जेड निकालने के लिए आप लिखे थे एक्स एल का स्क्वायर, यल के लिए एक्स एल लिखेंगे प्लस आर का स्क्वायर। सुनो याद करो यार, क्या गड़बड़ हो रहा है, अगर सी होता आर होता तो एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ऐसा लिख देंगे। और आपने जो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस एक्स एल का मान आपके पास मौजूद है, 3.14 इसका होल स्क्वायर रख दो, आर भी आपको दिया है कितना दिया, 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो, तो जेड बराबर हो जाएगा। अब तो इसका गुणा करना पड़ेगा ना, तो 314 से 314 में गुणा करना पड़ेगा, तो 4×16 आराम से गुणा करो, 4×4 = 5, 4×3 = 12 कट, 4×4 = 1, 3 कट, 4×3 = 12, 3×3 = 4, 3×3 = 9 = 10, 6×5 = 9, 2×3 = 5, 3×4 = 8, 6×5 = 9, 2×4 = 5, जो नीचे वाला मल्टीप्लाई किए हैं 3×9 ही रहेगा, 10 आप एक लाइन। अच्छा ये कह रहे हैं 3×6 = 12, 3×3 = 4, 3×3 = 9, ठीक है। चलो किसको जोड़ लिए, ये जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, 2×2 = 4, 5, 3×4 = 8,
9 आ गया, इतना आया, कितना आया, लेकिन 10 16 तो लगाना पड़ेगा ना, तो दो ये आ रहा है, दो और आएगा ना गुणा करके, 4 अंक यहाँ पर, तो 9.8 5 9 6 और एक कबर तो एक ही होगा, एक कबर का आ गया, एक हो गया, चीर बराबर यहाँ पर जोड़ दो, 9 और एक कितना आ गया, 10 16 8 5 9 6 क्या निकलेगा। इसको निकालने के लिए तरीका क्या होता है ना, आपको हम बता देते हैं, इधर देखिए खूब बढ़िया से भाग विधि से इसको काटिए, खाना विधि से काटेंगे, 3 से काटिए तो 3 3 9 घटेगा तो 1, 10 में ऊपर कर दीजिए, 2 को अंक लगातार उतार सकते हैं, और जोड़ दीजिए 3 3 कितना आ गया, 6, और आप इसको लेके जाइए 3 3 9 6 3 18 तो 2 बार में लेके जाइए, 2 2 4 और 6 2 12 तो 5 में 4 जगह 1, ये 6 61 हो गया, ठीक है। अब आइए 2 को डबल अंक उतार देता है, अब आइए 2 उतार दो, 2 2 4 ये 6, अब इसको लेके जाइए 9 6 36 6 9 54 तो 9 बार में चला जाएगा, 9 81 1 9 6 36 8 44 4 7 4 6 9 54 4 58 लगभग इतना लिख दो, जेड का मान 3.29 ओम में आ जाएगा, ओम में आ गया, आया था आपका 206 ऐसे ही निकाला जाता है। हाँ, दूसरा विधि से कैसे लगा, ये विधि है एक इसका आई क्या निकालेंगे, किसका आई क्या निकाला है, पहले आई का, अरे तो कुछ से निकालो आई तो इतना ही आएगा ना, का आई के क्यों निकाला है भाई, जब ये सूत्र होता था आपका, चलिए ठीक है, आइए आई के निकालते हैं हम लोग, 3 नंबर पर C नंबर पर आई, आई बराबर क्या होता है याद है आपको, ए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V बटा Z होगा ना, आर इसमें यूज मत करिएगा, आर इसलिए नहीं यूज कर, आर तो अकेला है नहीं, इसके साथ एल भी तो आपके पास V का मान कितना आ गया, V का मान 200 हो जाएगा, और जेड का मान आपके पास ये आ गया ना 3.29, 10 हटा दो 2 0 0 2 और 0 बढ़ जाएगा बटा में 329, तो उनको घबराना नहीं है सवाल पर, कायदे से लगाते चलिए और भाग दीजिए, चलिए अब किससे भाग देना, 329 से, तो इसको आप लेके दे 6 3 6 9 54 4 तो अधिक हो जाएगा, 5 बार में लेके जाओ, 9 45 के 5 5 10 7 14 5 15 116 इतना आया, तो 10 में 5 गया 5 और यहाँ पर 9 में 4 गया 5 1954 355 आ जाएगा, अरे तब तो लगता है 6 बार में चल जाएगा, चलो 6 बार में लग जाएगी, 6 9 54 4 6 2 12 5 17 और 6 3 18 1 ठीक है, 10 में 4 जाएगा 6 9 में 7 जाएगा 2 इक्कीस ये 0 उठा दो, अब इसको लेके जाना है तुम लोग को एक बार में कैसे जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाने वाला है, 7 9 54 7 9 63 3 7 2 14 6 20 0 7 3 21 23 अच्छा वो तो भाग जाएगा ही नहीं यार, दसवा बढ़ा तब 0 होगा, आप इसको 7 बार में लगे क्या राम चला जाएगा, 8 7 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
20, 10 में 3 जाएगा 7, आई 9, आई ये बचेगा 5, 5 में 3 जाएगा 2, ये 97 होगा। लगभग लिख सकते हो 6.7 एम्पियर आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका पहला सवाल था, ऐसा लगाए होंगे आप लोग, नहीं ये लगा होगा, ठीक है, हाँ लग गया होगा तो ठीक। देख लो तो पहला क्वेश्चन था आपका, मैं एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा आपका, देख लीजिए इसी थ्योरी पर, इसी आप दो सूत्रों का सूत्र का प्रयोग करके हल करें। बोलिए कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना चाहिए, कल दिक्कत हो रहा होगा जब लगा रहे होंगे तो, आज तो बता रहे थे कोई दिक्कत। चलिए उतारिए जल्दी। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 के पास। यार बहुत सिंपल सिंपल सर क्वेश्चन हम दिए थे कि बच्चे सब लगा लेंगे, लगाए भी थे, ऐसा बात नहीं। कह रहा है कि 44 मिली हेनरी, सुनो मिली हेनरी, ए हेनरी किसका माता का था यार, यल का।
अच्छा वालिस है ना, मिली के मिली हेनरी है तो सब लोग अच्छी तरीके जानते होंगे कि 44 मिली को हटाने के लिए 10 को माइनस 3 या चले दो तो यह कमान हो गया। हाँ 220 वोल्ट दिया गया था तभी कमान कितना लिखना है, 220 वोल्ट लिखना है और क्या दे दिया गया था 50 हटस। देखो अगर लिखना है तो बहुत फास्ट लिखो, समझ रहे बात को, 50 हटस। तो परिपथ में आई आर एम एस कमान आपको निकालना है, किसका आई आर एम एस कमान, ये यार पढ़े तो हो गए आई आर एम एस, आई बराबर क्या होता है भी, भी बटा, अच्छा इसमें तो आपका है नहीं खाली एक ही यल लगा है ना, तो एक्स यल निकला आई अब रखाएगा। अच्छा चलो पहले एक काम करो ना, भी कमान तो आपको दिया है 220 रख लो, आई एक्स एल कितना लिख लो कितना, अच्छा यहाँ कह रहे हो अतः ये नहीं निकल सकता है एक्सएल के मान होता है ना 2π एफ, अरे ओमेगा एल होता है तो 220 ओमेगा पर 2π एफ इंटू एल दिया तो है सब आपका, तो कहाँ गड़बड़ हो गया था बताइए, क्या दिक्कत था आपका, तो क्या लगाए आपको बताइए, आप बताइए, हाँ बताइए, क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल नहीं लिखा गया, बात चौपट है यार, तो वी नॉट से क्या मतलब है, जब वी दिया है तो वी लिखा चाहे वी नॉट लिखा उसे क्या अंतर, अरे याद आई बड़ा चौपट है यार, तू आई बराबर लिखा वी बटा एक्स एल या आई आर एम एस बराबर लिखा वी बटा एक्स एल या आई जीरो बराबर लिखा वी बटा एक्स एल, क्या दिक्कत है यार, आई बटा कली में तराई गल बकाई में निकाल लो, अरे सब सूत्र तुमको बताया गया, नहीं बताया गया धारा का अधिकतम मान कैसे निकाल जाता है, आई आर एम एस बराबर बताया गया होगा सब, देखो तुम लोग को धारा का अधिकतम मान निकालने के लिए आई बराबर बताया गया होगा वी बटा जेड, आई बराबर होता है वी बटा जेड के जब जब एक बटा एक्स एल, जब अगर सी रही तो वी बटा एक्स सी रही, जब टू का रही तो वी बटा कॉलोनी में जेड रहता होगा यूज किया जाता है, आप कैसे लगाएं हमको बताइए ना पहले, कौन सूत्र से लगाए पहले एक्सेल का मान निकाल तो हम रखे नहीं है, क्या दिक्कत है यार, आप छोड़ दिया आप तो सही लगाए, आप लोग किससे लगाए बताइए, कौन फार्मूला यूज किया है, वी जीरो इधर बात करो ना, वी जीरो बराबर ओमेगा एल, तो क्या अंतर वी में है, दोनों बातें की है, चलिए 220 हो गया, 2 लिखना, पाई के मान 3.14 रखो और एफ का मान कितना लिखना 50, आई एल का मान कितना दे दिया 44 गुण है 10^-3, आप अलग निकाले जाए उसी में रखे, क्या करना भाग दे दीजिए पूरा हल कर लीजिएगा, तो हल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 15.9 एमपी, हो गया भाग दे देंगे तो आ जाए, चलो तीसरा बताइए, तीसरा आ जाइए, तीसरा में कहता है कि कुंडली के जिसकी प्रेरकत्व ए प्रेरकत्व के यल से नल कमान है 0.50 हेनरी, 0.50 हेनरी प्रतिरोधार कमान दे दिया है 100 ओम, अरे बाबू ये तनि एकरा के बहुत कायदे से पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल आपको इस पर माने ज़्यादा आज कुछ लगा रहे फिर 10-15 का लगाया जाएगा, चलिए अभी कमान 220 वोल्ट लिखे हैं आप, ये अब कमान 50 है हाटस में, तो क्या कह रहे हैं ना अधिकतम धारा आप सब पूछ रहे हैं कितना होगा, क्या पूछो, हाँ अब पहले चुपचाप भाई देख लो, तब बीच में टोकना पहले देख लो, एक बार ये निकालना है और फिर आपका एक समय पक्षता दिया गया था, सवाल जब लग जाएगा तब आप बीच में बोलना है, समय पक्षता, समय पक्षता का मतलब होता है कि आपको बताया गया था ना, कल मैंने बताया भी था आपको, अच्छा अधिकतम धारा कह रहे ना तो आई जीरो को मान निकालना, और समय पक्षता का मतलब होता है टी बराबर
फाइव बटा ओमेगा आपको निकालना है, फाइव बटा ओमेगा, लेकिन फाइव भी तो आपको चाहिए ना। चलिए पहले काम करो, हमें क्या निकालना है, आई जीरो का अधिकतम मान निकालना है। तो आई जीरो का मान निकालने के लिए कैसे निकालोगे? चलो तो पहले आई जीरो का है क्या, आई जीरो बराबर क्या होता है याद है आपको? आई जीरो बराबर होता है आई आर एम एस अपान करनी में दो, पढ़े थे ना इसको, ये तो पढ़े थे आप। अब क्या करना है जरा सोचो, आई जीरो का अधिकतम मान पूछे तो ऐसे ही रखो, लेकिन आई आपको मालूम है ही नहीं है क्या, तो फिर वही सूत्र वाला लगेगा, आई बराबर क्या होगा, किधर गया वी जीरो बाटा, हाँ वी जीरो खाली वी लिखो तो वी बाटा एक्स यार आई कॉलोनी में दो बात दो ऐसे ही दिखा दिया। आज हाँ भी है तो आप रख दो, दो से कितना रख दो 20, एक्स रख दिया फिर ओमेगा या लिखाएगा कॉलोनी में दो ऐसे ही रख लो, इधर आ जाओ लिखना 220। हाँ ओमेगा का मान तो दिया नहीं है, ओमेगा दिया तो 2πf लिख लो यार कॉलोनी में दो 220, दोगुना पाई का मान 3.14, ये आपका मान कितना दे दिया है 50, यल का मान 0.50, कर्णी में दो है तो कर्णी में दो, पूरा हल करना है अब आपको, कर्णी में दो का मान रख दो, रख करके हल कर लोगे तो इसके मान आ जाएगा, ठीक है कितना आ जाएगा, लगभग 1.824 एम्पियर आंसर आ गया, 1.824 एम्पियर आंसर आ गया। इस तरीके से इसको हल करना, अब फिर आपको है निकालना है ना, क्या चीज़ मालूम है, समय पछता सकेंड में आ जाएगा सब। टा बराबर कल बताया भी नहीं, फाई बटा ओमेगा, ठीक है कि फाई का मान आएगा कहाँ से, तो सुनो एक बना कर छोड़ो, ओमेगा का तो मान निकल जाएगा 2π अब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हाई बहुत वजन है तो 10π आप पढ़े थे ना, लम्ब बटा आधार होता है तो आप चित्र बनाएंगे तो लम्ब हुआ तो एक्सएल हो जाएगा, लम कितना हो जाएगा एक्सएल, जो आधार आपके पास था आधार में आर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, चलो तो 10π बराबर एक्सएल के बाद क्या लिखेंगे, ओमेगा एल, ओमेगा एल आर एतवार लिख लो 10π बराबर, फिर ओमेगा का मान दिया है का, फिर 2πf L से निकालोगे 2πf L बटा में आर, कितना बड़ा कल इतना नोट करो तो बता रहे हैं। अब ये करना है कि क्या लिखे हैं आप 10π बराबर 10π बराबर आई दो है तो दो ऐसा ही लिख लो, आई पाई का मान कितना आ जाएगा, हाँ तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, आप का मान तो दिया था ना सवाल में 50 दिया था क्या, 50 रख लो, और यल का मान 0.50 या 5 वो बात हुई है, बटा में यार आर का मान कितना दिया गया था 100। चलो पूरा हल करोगे ना तो देखो 10π बराबर आ जाएगा, जब पूरा हल करोगे तो 0.1 लिख लो 1.571, तो खाली 5 बराबर या 10 पे इन्वर्स 1.571 5 बराबर, जब पूरा एक हालांकि इसका मान दिया रहेगा जो सवाल देगा ना तो इसका मान दिया होता है तो इसका मान आ जाएगा 57.5 डिग्री 57.5। अच्छा आपको याद है डिग्री में दिया रेडियन में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 बराबर 57.5 गुणे पाई बटा 180 इतना आपका रेडियन आ जाएगा फाई का मान, बस में नहीं। अब जो सूत्रवा आप यूज किए थे टा बराबर 5 बटा ओमेगा के यूज किए थे ना, तो फाई के तो माने भर दो 57.5 गुण है पाई बटा में 180 है पूरा का बटा में भाई ओमेगा वाला भराएगा तो ओमेगा पड़े ना 2πf L माने ओमेगा खाली ओमेगा जब 2πf हो जाएगा आप पाई से पाई कैंसिल कर दो तो 57.5 बटा में 180 गुणा नीचे वाला दो लिख लो, आई आपका मनवा 50 दिया था कितना दिया था 50 है
अब इसको हल कर लो, दसवाँ हटा दो, एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, काट कूट कर दो, पूरा हल जब कर लोगे तो हमारे पास जो समय पछता का मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा 3.19 गुणे 10^-3 पता लग रहा 3 होगा 3.19 गुणे 10^-3 सेकेंड। ये आपका सवाल था, तरीका देखो कैसे लगाया जा रहा समय पछता का। टा बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है फाइव ओमेगा, लेकिन हमें फाइव का मान निकालना पड़ेगा किससे, टेन फाइव बराबर एक्सएल बटा आर से। याद करो मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा जो कोण होता है यहाँ पर बनता है और सामने वाला जो होता है एक्सएल हो जाता है, नीचे हमेशा आर होता है, और टेन वो लंबा बटा आधार होता है, लंबा बट के एक्सएल बटा में आपके आर। इस तरीके से इसका यूज करके हम लोग सवाल को लगाते हैं, हल करेंगे इसको पूरा। कौन ये कह रहे हैं इसका मान होता है, इसका आपके जब सवाल देगा बोर्ड में तो ये दिया रहेगा 10^1.571 बराबर इतना दिया रहेगा, तब रख दीजिए इसके जब तक 57.5 डिग्री। ठीक है, ये तो लगा ही नहीं होगा आप लोगों से, सबको नंबर इस पर दे दिया जाएगा। अच्छा ये नहीं दिया गया था, क्वेश्चन नंबर कौन है, कौन लग गया 4 नंबर पर आ जाओ, कहा दिया गया 4 नंबर, 60 माइक्रो फैरेड है क्या, तो 60 माइक्रो फैरेड तो सी का मान दिया फैरेड है, तो 60 माइक्रो घटाओ तो 60×10^-6 फैरेड हो जाएगा सी बराबर। अभी का मान 110 वोल्ट 110 वोल्ट हो जाएगा, यफ का मान 60 वाटस। और क्या किया गया, बस इनमें आई आर एम एस का मान पूछ रहा है, और बहुत सिंपल सवाल है, बताएंगे कैसे आप लोग को लगेगा ये आई आर एम एस का मान पूछ रहा है। तो सिंपल ये बात है कि आई आर एम एस बराबर वी बटा एक्स सी, अब यहाँ पर लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये, हाँ क्योंकि वी बटा अब तो मान लो सी है ना, तो इसीलिए एक्स सी लिखेगा, वो वी का तो मान मौजूद है 110, और एक्स सी का मान 1/ωc होता है, याद है कुछ आपको कि एक्स की जगह पर 1/ωc, तो 110 भाई पलटोगे तो ओमेगा सबसे ऊपर सी, 110 लिखो, ओमेगा की जगह पर 2πf लिखो, उन्हें सी लिखो, 110 लिखो, 2 लिखो, 3π का मान 3.14, f का मान 60, 60 रखो, सी का मान 60×10^-6 रखो, पूरा हल करो, गुणा भाग कर दो, पूरा हल कर दोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आ जाएगा 2.49 एम्पीयर, ये हमारा आंसर है, ये सवाल नंबर 4 रखो। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का था तो बोल देता हमसे, ठीक है ठीक है, पहले इसको लिखो तब बता रहा हूँ।